हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रौनक, स्वागत करते हैं आप सभी का मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल में। कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा मंच जहां करोड़ों लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और लाखों लोगों ने अपने ज्ञान के दम पे अपनी किस्मत बदल ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस शो में आम जनता ही आती है, बल्कि ये ऐसा मंच है जहां बॉलीवुड और खेल के मैदान के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी शामिल होते हैं। और हाल ही में बॉलीवुड के दो मशहूर कलाकार दीपिका पादुकोण और फराह आई थी। वहीं क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ी सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग भी नजर आ चुके हैं। वहीं अब केबीसी के मंच पर आने वाले मेहमान की अगर हम बात करें तो वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का नाम रोशन किया। और वो कोई और नहीं, जैकलिन थ्रोअर, नीरज चोपड़ा और उनके साथ हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश हैं। और ये दोनों जल्द ही बॉलीवुड के शहंशाह श्री अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आने वाले हैं। और इस बात की जानकारी सोनी टीवी ऑफिशियल ने प्रोमो जारी करते हुए साझा किया है। और प्रोमो के कैप्शन में लिखा है कि अपने देश का नाम रोशन करके केबीसी 13 के मंच पर आने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज और श्रीजेश। सुनिए उनके संघर्ष और ओलंपिक के अनुभव को #कौन बनेगा करोड़पति में 17 सितंबर रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। सामने आए प्रोमो में अमिताभ बच्चन नीरज और श्रीजेश का स्वागत करते हुए जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमिताभ बच्चन दोनों खिलाड़ियों से उनके गोल्ड मेडल छूने की इजाजत मांगते हैं, जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ी खुशी खुशी अपना गोल्ड मेडल उन्हें दे देते हैं, जिसके बाद बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार श्री अमिताभ बच्चन भावुक होते केबीसी के सेट पर दिखाई देने वाले हैं। केबीसी के सेट पर श्रीजेश और नीरज अपना अनुभव भी साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वो इंडिया की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन जीत न पाने की वजह से उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। और तभी से उन्होंने इतनी मेहनत की कि टोक्यो ओलंपिक जीत कर अपनी पूरी जिंदगी ही बदल ली। वैसे तो केबीसी के मंच पर ऐसा कई बार हो चुका है जब हमें जीतने और कुछ करने की प्रेरणा मिली हो, लेकिन नीरज और श्रीजेश के संघर्ष की सच्ची कहानी से भी कई और नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।